नमस्कार फ्रेंड, आपसे स्वागत करते शेयर में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को एवरी टाइम स्टॉक के बारे में अपडेट देता हूं। जो स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल पर होता है और या फिर जो स्टॉक ब्रेकआउट कर चुका होता है तब मैं ब्रेकआउट अपडेट देता हूं, क्योंकि मैं पहले नहीं देता, क्योंकि फुल कन्फर्मेशन के बाद देता हूं। किस तरह से मैंने स्टॉक्स को फाइंड किया और किस तरह से आप फाइंड कीजिए वो भी मैं सिखाऊंगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इसका टारगेट क्या होगा, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा आने वाले दिनों में, और आप इसको किस तरह से फाइंड कीजिएगा। साथ ही साथ फुल कन्फर्मेशन के साथ मैं इस ट्रेड को फाइंड किया हूँ। बहुत सारे ट्रेड तो बहुत सारे चैनल देते होंगे, बट मेरा मैं कुछ ही ट्रेड फाइंड कर देता हूँ। उस स्टॉक में यदि इन्वेस्ट करते हो लाइफ टाइम तो पैसा आपका डूबेगा नहीं, ये। और उसके बाद जो स्टॉक देता हूँ वो स्टॉक मार्केट में ब्रांड है एकदम परफेक्ट, उसके ऊपर बेफिक्र एंड परफेक्ट एनालिसिस के साथ एंड कुछ ज़्यादा ही सिग्नल्स मिलने के बाद मैं आपको उस स्टॉक को सिलेक्ट करके देता हूँ। और उसमें ये बताता हूँ कि किस तरह से इसमें इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेड, बट इसमें आप इंट्राडे करने की मौका ही नहीं मिलेगा ये स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक कुछ ही दिनों में डबल डबल होते गया है और इसमें इंट्राडे आपको पोजीशन कंपनी देती ही नहीं है इस स्टॉक। तो आप जानते होंगे रामदेव बाबा, पतंजलि, जो बहुत बड़ी आज ब्रांड बन चुकी है पूरे देश और दुनिया में, और उसने ही रुचि सोया को खरीदा। रुचि सोया को जब खरीदा 600-700 रुपये प्राइस था, बट अभी 1400 रुपये लगभग होने के, यानी डबल हो गया उनको हाथ देने के बाद। उन्होंने रुचि सोया को खरीदा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने इस रुचि सोया को कुछ ही हाल फिलहाल कुछ ही दिनों में पतंजलि फूड किया नाम। तो पतंजलि फूड करने में बहुत ही लोग, ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट लिया इसमें, अपने आप इन्वॉल्व हुए, बट कुछ दिन तक मार्केट कंसोलिडेट की और मार्केट वोलेटाइल रही। उसके बाद मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया और जिस ब्रेकआउट लेवल में जाकर रुकी हुई वो आप लोग हम देखेंगे कहाँ रुकी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पतंजलि फूड को खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद इस स्टॉक को खोलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मंथली चार्ट देखेंगे। मंथली चार्ट पर RSI क्या बता रहे, क्या 60 के ऊपर है, ये देखिए मंथली में हम लोग देखेंगे। ये मंथली देखिए RSI बता रहा है कि मंथली में 60 के ऊपर ग्रेट, और वो 60 का सपोर्ट ले, इसका मतलब दैट इज़ वेरी ग्रेट, बहुत अच्छा बुलिश, ठीक है। मंथली में 60 के ऊपर आप देख लीजिए, मंथली में जब 60 के ऊपर थी मार्केट बुल थी, एकदम बुल। देखिए 700 रुपये में मैंने मार्केट को खरीदा था, देखिए 730 रुपये में खरीदा गया था बीच से। तो उसके बाद हम लोग देखते फिर से, और रुक जाइए, अब हम लोग देखेंगे वीकली में क्या बता रहा है मार्केट, ठीक। हमने देख लिया मंथली में 60, क्या वीकली में 60 का सपोर्ट है, देखते चलिए, या 60 ब्रेक की है, आइए देखते हैं। ओ ग्रेट, 60 को ब्रेक कर चुकी है, वीकली में भी 60 को ब्रेक किया है। आइए हम लोग फिर अब देखते हैं डेली में क्या बता रहा है RSI, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है, यानी कि इंडिकेटर में बेस्ट इंडिकेटर मेरे हिसाब से है ये, मैं इसे ही लेकर चलता हूँ, एक ही इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, ओनली RSI, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप भी इसको यूज़ कीजिएगा, 60-40 लगाइएगा, ये देखिए। उसके बाद हम लोग अब जाएंगे, अब हम लोग डेली चार्ट देंगे, क्या डेली में 60 ब्रेक की है, आपको की ही होगी, जब मंथली वीकली जब 60 के ऊपर तो डेली भी होगी। तो ये डेली ये देखिए, ओ ग्रेट, डेली पे तो एकदम बूम है मार्केट, एकदम डेली परफेक्ट है। जब देखिए डेली 60 को ब्रेक की तब मार्केट का प्राइस यहाँ पर था 1100 रुपये, अभी जिसका 1350 रुपये, चलो ग्रेट, मार्केट तो इज बुल, तो 60 के ऊपर थी तो मार्केट बुल थी। अब आइए हम लोगों ने क्या किया, RSI के जरिए फाइंड किया कि RSI ने परफेक्ट सिग्नल दिया। अब हम लोग प्राइस एक्शन पैटर्न को फाइंड करेंगे, ठीक है। मैं क्या बोला, बहुत सारा इन कन्फर्मेशन के साथ मैं आपको ये शेयर को आप लोगों के सामने रिफर करता हूँ। तो हम लोग क्या करें, मंथली में हम लोग देखें क्या ये कप पैटर्न को ब्रेक कर रही है, यस नो, यस यस, ये अपने मंथली के दो साल से मार्केट इसके नीचे थी, अब ये अपने ऑल टाइम हाई पर आने को है, क्योंकि ये अपने उस मंथली के ब्रेकआउट पर आ चुके हैं, मैंने अपने दो साल पहले 2020 की उस कप पैटर्न को ब्रेक करने को मार्केट है, ये देखिए कप पैटर्न को ब्रेक करने को है, और अगली एक बार टच करने आई थी बट वहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन फेस की मार्केट गिर गई, बट सेकेंड टाइम W पैटर्न के साथ कप पैटर्न पर आई बुलिश कैंडल के साथ। तो अब यहाँ पर हमने देखा प्राइस एक्शन पैटर्न मंथली में एकदम परफेक्ट है, कप पैटर्न को ब्रेक कर रही, वीकली में क्या बता रही है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए वीकली में भी देखिए आप लोग एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है मार्केट, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसी रेजिस्टेंस पे आकर अगली बार मार्केट ने रिजेक्शन फेस की, मार्केट ने बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था, कम से कम मार्केट में 1300 से 700 यानी 500 रुपये का डाउनफॉल आया था। अब वो समय आ चुका है उसी रेजिस्टेंस पर मार्केट फिर एक बार, ये देखिए यदि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती तो आपको सबसे पहला टारगेट होगा 1350, ये जो है वो 1400 में कन्वर्ट हो जाएगा।
उसके बाद सेकेंड टारगेट 1450, उसके बाद 1500, उसके बाद 1550, इस तरह से 50 पॉइंट आपको ऊपर ऊपर बढ़ना है, ओनली 50, ठीक है। हम लोग देखेंगे अब डेली में क्या बता रही मार्केट, क्या प्राइस एक्शन पैटर्न है, क्या हायर हाई पैटर्न है, चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए ग्रेट, डेली में देखिए तो फिर आपको ये दिखेगा, आपको जब यहाँ पर ब्रेकआउट दी मार्केट, ब्रेकआउट दी देन रिट्रेसमेंट ली, देखिए ब्रेकआउट देन रिट्रेसमेंट गो अप बूम, तो ये देखिए इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट, तो इसका स्टॉप लॉस जो होगा लॉन्ग टर्म में कितना होगा वो मैं बताऊँ, 1300 का स्टॉप लॉस यानी कि 80 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लेकर चलना है, ठीक। टारगेट तो मैंने बता दिया 1350 तो 1400 जाएगा, तो उसके बाद आपको क्या करना है 50 पॉइंट ऊपर जाना है, फिर 50 पॉइंट ऊपर जाना है, फिर 20-30 पॉइंट, यदि आप 50 रुपये गेन करते हैं तो 20 रुपये का आप गेनिंग रखिएगा, 30 रुपये का स्टॉप लॉस, या फिर 30 रुपये गेनिंग है 20 रुपये का स्टॉप लॉस, यानी 50 है तो 70 का स्टॉप लॉस, 30 रुपये प्रॉफिट, इस तरह से ट्रिल करते चाहिए, क्योंकि 100 रुपीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट रखती है वोलेटिलिटी के लिए, क्योंकि देखिए इस शेयर में बहुत बार मेनी टाइम्स 100 रुपीज़ ब्रेकआउट हुआ, 100 रुपीज़ का डे गुजरा, यानी कि एक दिन में 100 रुपीज़ दी है, उससे भी ज़्यादा ये शेयर, तो फिर आपको 100 पॉइंट स्विंग ट्रेड में पोजिशनल आपको लेकर चलना है कम से कम, तो पोजिशनल हो तो फिर 1500 रुपये तक वेट कर सकते हो, यदि नहीं स्विंग ट्रेड और लंबे टाइम तक आप वेट करते हो तो फिर आप 1500 क्या उससे ज़्यादा तक वेट कर सकते हो, बट पोजिशनल हो तो 1500 रुपये एग्जिट योर टारगेट, ठीक। प्राइस एक्शन पैटर्न को देखा, क्या किया प्राइस एक्शन पैटर्न देखा, कैंडल भी देखिए, इस बार बुल है मार्केट में, बुल कैंडल ये देखिए, अब वॉल्यूम क्या बता रहा है, वॉल्यूम है पर उतना नहीं, बट है एकदम थोड़ा है, इसका मतलब ये होता है रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं वो अभी एंट्री लिए हुए हैं डेली टाइम फ्रेम में, अभी तक बड़े बड़े इन्वेस्टर का नज़र नहीं गया, बट ये ब्रेकआउट देने को है, ये देखिए बुलिश है मार्केट, बट अभी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करने पर आप एंट्री नहीं लीजिएगा, अब मैंने क्या देखा वीकली पर ब्रेकआउट रेजिस्टेंस फेस करिए, मंथली पर रेजिस्टेंस फेस करिए, बट डेली में ये देखिए डेली में इसने अपने कप पैटर्न को ब्रेकआउट दे दिया 1218 रुपये में, बहुत अच्छा कप पैटर्न ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, वो भी कब देखिए कप पैटर्न विद हैंडल के साथ ब्रेकआउट दिए बहुत अच्छा, ये देखिए वो रिट्रेसमेंट के साथ, तो मार्केट बुल, और पतंजलि एकमात्र ऐसा शेयर है जो मार्केट में आग लगा रखी है, बाबा रामदेव बाबा, कोलगेट, कोल इंडिया, सब की हिंदुस्तानी सब को 12 बजे रखा है रामदेव बाबा ने, पतंजलि यानी कि जो जो रामदेव बाबा से पंगा लेगा वो उनका दंगा होना ही है, तो और ये जो है बहुत बड़ी ब्रांड है मार्केट में आग लगा रही है, और इसका जो ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ा, ब्रांड एम्बेसडर भी बहुत अच्छे हैं, और ये जो शेयर है बहुत अच्छा आपको टारगेट भी देने लगा, बहुत जल्दी देता है ये शेयर, बहुत ही जल्दी देता है, एक एक दिन में 100 पॉइंट का आपको प्रॉफिट देता है, एक एक दिन में, आप इसमें इंट्राडे नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट की तरफ से यानी कि इस कंपनी की तरफ से लॉक किया गया, आप इसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हैं ओनली। तो फ्रेंड मैंने आपको प्राइस एक्शन पैटर्न, टारगेट, स्टॉप लॉस विथ RSI के जरिए भी आपको बता दें कि ये शेयर कहाँ जाने वाला है और अभी कहाँ है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे आने वाले वीडियो को देखिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, तब तक के लिए फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इस वीडियो को शुरू से शेष तक देखने के लिए आप लोगों को सभी को दिल के गहरे से धन्यवाद।